अच्छा आउ कौन कह रहा है सर महंगा घटना कौन कहे सर महंगा घटना कौन कहे सर कौन कहे सर के सर सर महंगा मर्डर नहीं की महंगा डबल मर्डर घटन मौन सम्मति वाड़िया मंत्री प्रताप जेना मुहरे तुंडी महंगा डबल मर्डर घटन प्रश्न पचारे केमिति होती राज्य सरकार को पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर प्रताप जेना आउ थरे देखंतु अच्छा आउ कौन कह रहा है सर महंगा घटना कौन कहे सर महंगा घटना कौन कहे सर सर कौन कहे सर के सर सर बहुत चर्चित महंगा डबल मर्डर घटनार 13 नंबर अभियुक्त तालिकार अछंती मंत्री प्रताप जेना और तांको विरोध रे लागिछि 302 रो संगीन दफा सेबडे घटनार मुख्य अभियुक्त प्रफुल्ल विश्वाळंक मृत्यु घटनार मध्य मंत्री प्रताप जेना काडकु अंगुली उठाइछंती विरोधी मंत्री को परिवार मालिकाना दुशासन जेना यार्ड आवादे प्रफुल्लों मृत्यु दुर्घटना ना षड्यंत्र प्रश्न उठी बेले मंत्री प्रताप जेना काठगड़ा को टाणी कांग्रेस और बीजेपी हेले संपर्क में मंत्री प्रतिक्रिया ने चेष्टा कले मंत्री केमिति विचलित हो थे नजर पकातु महंगा डबल मर्डर घटना मुख्य अभियुक्त बर्तमान मार दिया आप विरोधी अभियोग करेंगे अच्छा आउ कौन कह रहा है सर महंगा घटना कौन कहे सर महंगा घटना कौन कहे सर सर कौन कहे सर के सर सर महंगा मर्डर जनवरी 2 तारीख में महांगा गड़ा मुंड बीजेपी नेता कुलमणि बराल दिव्य सिंह बराल करागला हत्या और यह घटना पर अभियुक्त केमिति गिरफ हेबो व्यक्तिगत भाव दृष्टि देवे बोली कहिथिले खोद मंत्री प्रताप जेना हेले घटनार पखापाखि एक मास परे मुख्य अभियुक्त प्रफुल्ल विश्वाळंक मृतदेह मिलता अति विभत्स भावे और प्रफुल्ल कुलमणि बराळंक पुओ को फोन करी तांकु मंत्री प्रताप जेना फसाई देइथिबा कहिथिबार अभियोग आनिथिले रमाकांत आउ एही घटनारे प्रफुल्लंक नाबालक पुओंक बयान घटना को आहुरी विवाद को नेइथिला आउ घटना परे मंत्री को प्रश्न पचारिले मंत्री केमिति एडाई चली जाउछंती देखंतु मांगा डबल मर्डर घटना रे मुख्य अभियुक्त वर्तमान मागताको मार दिया आइछ आपनका हाथ के विरोधी अभियोग करछ आपन कोन कहबे अच्छा आउ कोन कहया रछ सर मांगा घटना कोन कहबे सर सर मांगा घटना कोन कहबे सर सर कोन कहबे सर के सर काहीकि एमती होती प्रताप जेना निजर खास अनुगत प्रफुल्ल विश्वाळंक मृत्यु पर भी मुह खोलुना काहीकि विरोधी आनीथिबा अभियोग कण सत महांगा पुलिस प्रतापंकु केबे करिब जेरा शुणंतु जनवरी 3 तारीख रे एने कण कहिथिले मंत्री प्रताप जेना आमे केबे भी राजनीति रे हिंसा को प्रश्रय देई नाहु एवं जो माने भी एपरी अमानुषिक कार्य विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान हबा उचित एवं मु मध्य व्यक्तिगत भाव रे ए कथा प्रति दृष्टि देबी कि किपरी भाव रे जो माने हत्याकारी जो माने दोषी से माने केमती अरेस्ट हेबे तांको विरुद्ध रे केमती कार्यानुष्ठान हबो मंत्री को एपरी नीरवता को नहीं प्रश्न उठाई विरोधी कांग्रेस और बीजेपी एपरिक महांगा अशांत होगा महांगारे हत्याकांड होगा सबु घटन मंत्री को तदंत कले गुमर खोल मु भावुची प्रताप जेना जो भाई मंत्री भार नक से इस्तफा देवेनी जो भार कर नवीन बाबू विदा करेंगे तापर जा इस्तफा देवे और सी कौन जाणी ना आ भितर केते थर कथाई मुझे तो कौच से फोन को बर्तमान डायरेक्ट आपल रेकर्ड देखते तो किए किए कर बहुबार कथाई कौटी रहीबू कौटी जीवू एम ताकू फोन कर रक्षा कर कहीं कहे भल भाव जानते मंत्री इच्छा अनुसार ये सब हो जे जे ये मुख्य ये जो पूरा घटनाक्रम जे मेन कल्फिट जे कहो कल्फिट तो कहानी जी मुख्य षड़ी जी से स्थानीय विधायक अच्छा मंत्री अच्छा
ତାଙ୍କୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରା ନ କରାଯାଇଛି ଯେବେ ଯାକେ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରା ନ ଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ପୋଲିସ କରିନାହିଁ ସେବେ ଯାକେ ଘଟଣା ଚାଲିବ ଏବଂ ଆହୁରି କେତେ ଘଟଣା ଘଟିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପୂରାପୂରି ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ପୋଲିସ ଅସହାୟ, ସରକାର ଅସହାୟ, କିଏ ଦେବ ନ୍ୟାୟ, କିଏ ଖୋଜିବ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ମୃତ୍ୟୁର କ୍ଷୟ? ସେଭଳି ବିବାଦକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ସଢ଼ୁ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ଅରୁପାନନ୍ଦ ଜେନାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ନାବାଳକ ପୁଅର ବୟାନ ଘଟଣାକୁ ଜଟିଳ କରିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ, କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଧଳ ଓ ମହାଙ୍ଗାରୁ ଶିବାନୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।